ना लिफ्ट से शुरू कर रहा हूँ, ऐसे ही है। तो आज दिन शुरू होते ही फर्स्ट थिंग जो मैं करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं अभी लूंगा या नहीं लूंगा, और लूंगा भी कि नहीं लूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ मामले पता करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज जो आज के दिन में मैं करने जा रहा हूँ वो है, तो ये मेरे सामने एप्पल स्टोर है। पता नहीं इसका दरवाजा क्यों खुला है, इसका ये पूरा दरवाजा इतना बड़ा। आईफोन 15 प्रो मैक्स आया हुआ है, अभी मैं पूरी वो सब चेक करवा रहा हूँ कि कितने का कैसे मुझे मिल सकता है। और ये जो दरवाजा है इसका भी मुझे सीन पता लगा, जब वेदर अच्छा होता है तो वो एयर को अंदर आने के लिए इतना बड़ा दरवाजा खोल देते हैं। इनको पंजाबी आती है, इन्होंने मुझसे कितना और बढ़िया बात करी। आईफोन के मामले तो मैंने पता कर लिए, पर मेरे एयरपॉड्स प्रो नहीं चल रहे थे, तो ये चार्ज हो रहे हैं, शायद इसमें चार्जिंग कम थी, फिर पता चलेगा क्या सीन है। पर ये नए वाले आईफोन में ये बात बढ़िया है, इसमें ऐसे स्क्रैच लगा दो तुम उंगली से, ठीक है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये ऐसे ही साफ हो जाता है। वाह, आईफोन के सारे मामले और सारे पेमेंट प्लान मैंने पता कर लिए हैं, तो मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर की जरूरत पड़ेगी कोई भी पेमेंट प्लान लेने के लिए, या फिर मुझे सारे पैसे एक साथ मुंह पे मारने पड़ेंगे इनके। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर तो तभी मिलता है जब जॉब चलती है, मेरी पार्ट टाइम जॉब तो लग चुकी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी नंबर के सिलसिले में अभी 2 महीने और लगेंगे, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। और एयरपोर्ट में खाली चार्जिंग का सीन था, तो वो चार्ज नहीं थे इसलिए नहीं चल रहे थे, बाकी कोई सीन नहीं था। फिलहाल मैं इनके यूनियन स्क्वायर में हूँ, यहाँ बहुत दुकानें होती है, तुमने देखा ना लुई विटॉन गुची उची भी मिल रहा था सब जगह पे। So now that I'm home, loading, loading, shot the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time, your favorite MC's guns are silver. These vibes here are golden, golden. Cards on the table. अगली चीज़ है करने के लिए, there's no folders, but bars are the club zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Plenty, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my. So now that all the chores are complete and खाना बनाना is complete, मतलब रख दिया है बनाने के लिए, अब मैं focus कर सकता हूँ और चीजों पे। और उसमें से सबसे पहली चीज ये है कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मेरे एक सेमेस्टर के अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, 1 मॉड्यूल खत्म हो गया, नया मॉड्यूल शुरू हो गया, तो वो नए मॉड्यूल के लिए जो किताबें विताबें खरीदनी है अब वो खरीदी जाएंगी। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कितने का मिलता है सब सामान। देखो मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअली में ये सब कितने का होने वाला है और मुझे खरीदना क्या क्या है। एक चीज मुझे पता थी और वो ये है कि मुझे फाइनेंशियल कैलकुलेटर खरीदना है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के लिए, जो कि ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है अमेज़न से, वो जब आएगा तब आएगा, पर बाकी किताबें विताबों का मामला देखना है मुझे। तो एक बुक मुझे पता चल गई है कि कौन सी लेनी है, लेकिन क्या है कि वो फ्री में भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होगी, तो बच्चों ने लिंक डाल दिया ग्रुप के अंदर, जो भी ग्रुप होता है वहां से डाउनलोड कर लेता हूं इसे, तो खरीदनी नहीं पड़ेगी, इधर तो पैसे बच गए मेरे। वन इज डन। अगली बुक खरीदने के लिए मुझे $120 खर्च करने पड़ेंगे, पर क्या ही कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है, खरीदनी ही पड़ेगी, बाय इट कर दो ऐसे। तो सर्विस फी लगाने के बाद मुझे $124.63 की ये किताब पड़ी है, जिसके अंदर मेरे को सिर्फ पता नहीं कितने 5-6 चैप्टर मिले हैं, और ये सब्जेक्ट भी सिर्फ 2 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए $124 खर्च कर दिए गए। To pull the string and I can't let you go, cause I've been trying to get you up but you won't. फिलहाल 7 बज रहे हैं, तो ये लंच में आता है कि इवनिंग स्नैक में कि डिनर में, मेरे को ज्यादा पता नहीं है, 7 ही बज रहे हैं अभी फिलहाल। अब लेके आया हूँ मैं अपने लिए खाना मस्त, डिनर मेरे ख्याल से 11-12 बजे का होगा, सेम ही होगा बिल्कुल, एग्जैक्ट डिटो कॉपी टड़ंग, कमांड से कमांड भी या कंट्रोल से कंट्रोल, बिल्कुल सेम। नाउ दैट पेट पूजा इज डन, एवरीथिंग इज डन, सारे चोर हो चुके, खाना पीना हो चुका है, सब हो चुका है, और शाम के 7:30 बज चुके। अब मुझे एक तो ब्लॉग एडिट करना है एज यू गाइस नो, पर फिलहाल मुझे करना एक बहुत ज्यादा जरूरी काम, जो मैं जिसका गुणगान बहुत टाइम से गा रहा, और मैंने कहा था मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा उसके बारे में बता के, ये है कि मुझे इंटर्नशिप्स अप्लाई करनी है। अप्लाई मैंने कर दिया था कुछ जगहों पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अप्लाई से काम नहीं चलता, उसके बाद मुझे लोग ढूंढने पड़ेंगे लिंक्डइन पे और उनको अलग से मैसेज करना पड़ेगा ताकि वो मुझे देखे, उन्हें समझ आए मैं कौन हूँ, और फिर वो मुझे इंटर्नशिप दे दे, ऐसे टाइप का माहौल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। पता नहीं वो कैसे होता है, मेरे को भी नहीं पता, मैं नया हूं उस पूरे खेल के अंदर ना, पर कोई नहीं, अब मैं आज वो करूंगा और आज मैं वो करके छुट्टी चाहता हूं उस काम से, क्योंकि मेरे हाथ में जितना काम है मैं जितना एफर्ट मार सकता हूँ अपनी तरफ से उतना तो मैं मार दूंगा, और उसके लिए आज मैं बैठा रहूंगा यहाँ पे एकदम सफा चट कर दूंगा मैं आज इस काम को। तो आज चाहे सुबह के 5 बजे 6 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज इस काम को मैं खत्म कर ही दूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत एकाध नई नई आती रहेगी कभी तो उसमें अप्लाई कर दिया करूंगा, लेकिन ओवरऑल के लिए इसका एकदम खात्मा कर दिया जाएगा आज। लेकिन वो काम करने से पहले एक बार नीचे चलते हैं। नाइस कार यार जिसकी भी है ये, अब इसमें कोड डालना पड़ेगा, कौन सा खुला ये खुला,
बढ़िया है यार ये रूबिकॉन। वैसे इसकी पता नहीं किसकी ये यहीं खड़ी होती है, बाकी सबकी गाड़ियां नॉर्मल जगह खड़ी होती है, इसी की यहीं खड़ी होती है एकदम। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि मुझे एक सब्जेक्ट अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर की भी जरूरत है, ये भी आज ही आ गया, तो इसको खोल देते हैं। अनबॉक्सिंग द फाइनेंशियल कैलकुलेटर। आई डोंट नो हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, बट इट इज व्हाट इट इज। वाओ, HP 10B2 Plus Financial Calculator, बहुत इंटरेस्टिंग। ओ हो, कमाल कर दिया इसने, काफी प्रीमियम कैलकुलेटर है यार ये। वाह क्या बात है, विद अ केस, ओह माय गॉड, वाह क्या बात है, मेरा नया कैलकुलेटर आ गया, मुझे यूज करना भी नहीं आता है।